अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी कनेक्ट। आई होप यू आर फाइन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि थ्री वेरिएबल्स का के मैप क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फोर वेरिएबल का के मैप हम कैसे बनाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि फोर वेरिएबल का के मैप कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि इनकी डेजिग्नेशन कैसे कैसे आएंगी, जो मिन टर्म्स की हैं, हम मिन टर्म्स कैसे सॉल्व करें फोर वेरिएबल की। तो मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फोर वेरिएबल है, जो मैप बनाते हैं हम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने बॉक्सेस हैं, कितने स्क्वेयर्स आएंगे। तो हम देखते हैं 2 की पावर n से। तो हम बना रहे हैं फोर वेरिएबल के, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 हमारे पास बॉक्सेस आएंगे फोर वेरिएबल के मैप के लिए। तो हम बनाते हैं, तो Here, w x y z, for example, हमारे पास फोर वेरिएबल हैं, उनमें w x y z है। तो जो w x है ये मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है और y z राइट साइड पे। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 1 1, ये 1 0 इधर क्यों नहीं आया, ये हम पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी 0 0 0 1, अब यहाँ पे भी 1 0 नहीं आएगा बल्कि 1 1 आएगा, क्योंकि हमने इन दो रो को भी स्वैप किया है आपस में। तो यहाँ पे 1 0। तो अब देखते हैं कि m नॉट m 1 m 2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने इन दो रो को आपस में स्वाप किया है। तो M8 यहाँ पे आएगा, M8, M9, M10, M11, M12, 13, 14 और M15। तो ये हमने डेजिग्नेशन दे दिए। अब हम देखते हैं कि मिन टर्म जो है फोर वेरिएबल्स की, उनको मिन टर्म एल्जेब्रिक फॉर्म में वो कैसे आएंगी। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसे आएंगे कि हम ये मैप बनाते हैं फोर वेरिएबल के लिए। डब्ल्यू एक्स वाई जी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पे आएगा W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज W 0 X 0 Y 0 Z 0। यहाँ पे आएगा जी W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z L, क्योंकि Z यहाँ पे 1 है। W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y Z, W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y एज इट इज Z कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज Z यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आएगा जी W कॉम्प्लीमेंट X एज इट इज y complement z complement w complement x as it is y complement z as it is। यहाँ पे आएगा जी w complement x as it is y as it is z as it is w complement x as it is y as it is z complement। यहाँ पे w as it is x as it is y complement z complement w x y complement z as it is w x y z, because W1, X1, Y1, Z1. So here W, X, Y, Z complement, W, X complement, Y complement, Z complement, W, X complement, Y complement, Z, W, X complement, Y, Z, or W, X complement, Y, Z complement. So this is the table of designation जो हमने पढ़ा था। ये डेजिग्नेशन लिखी हुई है, यानी कि जब हम के मैप फोर वेरिएबल की कोई हमें दिया गया, मिन टर्म्स दी गई होंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो इस पोजीशन पे लिखेंगे। और ये जो है ये अलजेब्रिकली लिखा हुआ है कि कहां पे कौन सा टर्म आएगी, अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ फोर वेरिएबल मिन टर्म इन के मैप। तो ऐसे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे फोर वेरिएबल को।
तो आइए चले हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि फोर वेरिएबल का जो के मैप है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको डेजिग्नेशन की भी समझ आ गई होगी और एल्जेब्रिकली भी समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(w(x,y,z) और वो गिवन है। बेसिकली ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये और कुछ नहीं है, ये हमें डेजिग्नेशन बताई गई हैं कि इस पोजीशन पे मेन टर्म जो है वो मौजूद है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो ये चीज़ हम बनाते हैं ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद बनाते हैं। तो आइए चलें बनाते हैं फोर वेरिएबल के में। हम जानते हैं कि हमारे पास हमें 16 बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो ये 16 बॉक्सेस हो गए। तो इधर हमारे पास आ गया WXYZ, ये 00011100001110। तो अब हमें मैपिंग करनी है। तो सबसे पहले जीरो डेजिग्नेशन, जीरो पे यहाँ पे वन, क्योंकि हम मिड टर्म वन के लिए सॉल्व करते हैं। वन यहाँ पे, टू यहाँ पे नहीं था, टू यहाँ पे था, यहाँ पे वन, फोर, 0 1 2, टू यहाँ पे नहीं था, 2 3 4। नेक्स्ट है जी 5, 6 यहाँ पे नहीं था, 6 यहाँ पे था। नेक्स्ट है जी 7, 7 यहाँ पे था, सॉरी 7 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था क्योंकि हमने इन दो रोज को भी आपस में स्वाप किया हुआ है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 और 14, ये आ गया, ये हमारे पास मैपिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो काम है हमें करना है ग्रुपिंग। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि ग्रुपिंग हम करते हैं जितना बड़ा हमारे पास ग्रुप बन सके। तो कल तो हमारे पास थ्री वेरिएबल के लिए था, तो हमारे पास फोर का मैप बना था जो हाईएस्ट था। अब यहाँ पे देखें कि 2 4 6 8, 8 का मैप बन रहा है, तो हम फोर का नहीं बनाएंगे, 8 का मैप बनाएंगे। की मैप के लिए ये बात लाजमन है कि जितना बड़ा ग्रुप बन रहा हो उतना ग्रुप बड़ा ग्रुप बनाएंगे, अगर छोटा बनाएंगे तो वो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमारे पास ये एक ग्रुप बन रहा है 8 का। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप बन रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि ये 2 का ग्रुप बन रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, 4 का ग्रुप बन रहा है। ये देखें, एक ये ग्रुप बन रहा है और एक ये ग्रुप बन रहा है। मैं इसे न्यू से कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि के मैप में ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये 2 का बन गया, ये 2, ये टोटल 4 का ग्रुप बन गया। अब ये भी बन रहा है ग्रुप, एक ये या एक ये बना लें। अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली ये बना लें, मगर ऐसा भी, ये भी गलत है क्योंकि के मैप में ओवरलैपिंग हो सकती है। इसलिए हम ये 2 और ये 2, इन 2 को लेके 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो बेसिकली एक ग्रुप है हमारे पास ये 8 का, सेकंड ग्रुप है हमारे पास ये 4 का, तो थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है वो ये है, ये 4 का। तो हमारे पास 3 ग्रुप बन चुके हैं, एक रेड से, सेकंड वन ब्लू से एंड थर्ड वन ब्लैक से। जो हमारे पास रेड से बना है वो 8 बॉक्सेस का है, ब्लू वाला 4 का है और ब्लैक वाला भी 4 का है। तो नेक्स्ट हमने जो करना है, हमने सीधे सीधा वेरिएबल्स को देखना है। तो आइए देखते हैं वेरिएबल को। हम देखते हैं कि पहले 8 जो बॉक्सेस का हमारे पास ग्रुप बना है इसको देखते हैं। यहाँ पे W0, यहाँ पे W0, यहाँ पे W0, यहाँ पे W0, यहाँ पे W1, W कैंसिल आउट। नेक्स्ट X0, X1, X कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट हमें देखना है Y।
y जीरो है इस पूरे कॉलम में, यहाँ पे भी y जीरो है, तो y का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि y हम मिन टर्म 1 के लिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट z जीरो, z वन, z नहीं आएगा प्लस। अब देखते हैं जो ये ब्लू वाला है, यहाँ पे देखें w जीरो, w जीरो, w जी है, तो ये यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। नेक्स्ट w जीरो, w जीरो, तो w आएगा, w का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है x, x जीरो, x वन, तो x नहीं आएगा। नेक्स्ट y, y जीरो, y वन, y कैंसिल आउट हो जाएगा, z जीरो, z जीरो, z का कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस। तो ये जो ब्लैक वाला है लास्ट बुक, हम इसको देखेंगे, तो इसमें देखें ये हमारे पास आया था कि w जीरो, w वन, w कैंसिल आउट हो जाएगा, x वन, x वन, x आएगा, एज इट इज आएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। y, y जीरो, y वन, y नहीं आएगा, z जीरो, z जीरो, z तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हेयर आर द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, जो f आ गया वो f बेसिकली ये आया है, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। अब ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको लिखेंगे तो ये कितने बड़े आएगी, और अगर इसको आप अल्जेब्रिकली सॉल्व करने लग जाएं फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो के मैप हमेशा सिंप्लीफाई करता है आसान मेथड के जरिए, आसान तरीके से। तो बेसिकली ये इसकी आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 8 का किया है, तो 8 में 1 मीट 1 लिटरल आ रहा है, और ये जो 4 है इनमें 2 2 लिटरल आ रहे हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। मैंने एक फंक्शन लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया है, तो वो हमें कह रहा है कि सोल्व दिस फंक्शन विद के मैप, सिंप्लीफाई फंक्शन विद के मैप। तुम ये देखते हैं कि इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, बट हमारे पास जो हमें फंक्शन दिया गया है वो 4 वेरिएबल का है, तो हमें 4 यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि जो हमारा मैप बनेगा वो 16 बॉक्सेस का हमारा मैप बनेगा। तो वी हैव टू मेक अ बॉक्स दैट कंटेन 16 स्क्वायर्स। तो W सॉरी ए बी सी में हमें गिवन है ए पी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1, ये एक अदाफी लग गया है, I'm so sorry about that, ये मैप हमारे पास ठीक नहीं है, ये तो 1 1 1 0। अब हमें देखना ये है कि जो हमारे फंक्शन दिया गया है उसके जितने भी टर्म दी गई हैं मिन टर्म वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखते हैं, हम देखते हैं कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास 1 2 3 टर्म ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक तो ये तरीका है कि इनमें जो वेरिएबल मिसिंग है उनको इंट्रोड्यूस करवा दें अल्जेब्रिकली। दूसरा तरीका हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो आसान तरीका है कि ये जो टर्म हमारे पास दी गई है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें डी मिसिंग है। तो डी की पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, या तो डी होगा या डी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर डी वन है तो डी कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, अगर डी जीरो है तो डी कॉम्प्लीमेंट वन होगा, यानी कि डी की दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 1, ये हमने लिख ली। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मीन 0 0 0 0 0 0, तो ये देखते हैं कि ये चीज कहाँ पे लाई कर रही है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बेसिकली यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर मिन टर्म्स एंड वी मेक मिन टर्म्स बाय 1। यहाँ पे 0 0 0 1 है, तो 0 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 0 0 1 यहाँ पे, ये हो गया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए हमारे पास मिसिंग है। जिस तरह डी की पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 बने थे, इस तरह ए के भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे, 0 और 1,
बी कॉम्प्लीमेंट मीन जीरो, सी एज इट इज मीन वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो कहाँ पे आ रहा है जी, जीरो जीरो वन जीरो यहाँ पे हम वन लिख देंगे। नेक्स्ट है जी वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो यहाँ पे ये लाई कर रहा है, ये एक टर्म हमारे पास ये सोल्व हो चुकी है, एक ये हो चुकी है। नेक्स्ट है जी ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज हम लिखेंगे यानी कि ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये कहाँ पे आएगा, ए मीन्स वन बी मीन्स वन सी वन डी कॉम्प्लीमेंट जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो यानी कि ये यहाँ पे लाई करेगा। ये टर्म भी हमारे पास हो चुकी है, ब्लैक से करता हूँ, ये टर्म भी हमारे पास हो चुकी है, ये टर्म भी हमारे पास हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें हमारे पास डी मिसिंग है। जैसे यहाँ पे किया था हमारे पास डी की दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है, या जीरो होगा डी या वन होगा, तो ए वन बी जीरो सी जीरो, ए वन बी जीरो सी जीरो, तो वन जीरो 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 हम देखेंगे कहाँ पे है के वन जीरो जीरो जीरो, तो जो हमारा वन है वो यहाँ पे लाइक करेगा। नेक्स्ट है जी वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन, तो ये यहाँ पे लाइक करेगा। तो जो हमारे पास ये टर्म है ये भी हमने लिख ली है। नेक्स्ट है जी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, इसका मतलब है जी जीरो 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 वन, तो हम फाइंड करेंगे जीरो 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 वन कहाँ पे, जीरो 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 वन ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, इसलिए इसको एक मरतबा लिखेंगे। अच्छा जी हमारे पास जो ये टर्म है ये भी हमने लिख ली है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी कि जीरो 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 ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट ये टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट है जी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा जी वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो कहाँ पे आ रहा है जी, हम देखेंगे वन जीरो वन जीरो ये टर्म भी हमने लिख ली है, यानी कि ये टर्म भी हो गई। नेक्स्ट आ रहा है जी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मीन्स टू से दैट ये हमने दो मरतबा लिख लिया, ये वैसे एक मरतबा आएगी, इसको वन जीरो वन जीरो, तो ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है जी ये टर्म भी सॉल्व होगी बार लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आएगा जीरो वन वन जीरो, ये देखें कि जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो ये नहीं लिखी, तो हम ये लिखेंगे साफ सी बात है। अच्छा जी तो हमारे पास जो ये टर्म है ये भी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट है जी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो ये बनेगा वन जीरो जीरो वन, तो क्या हमने ये लिखा है वन जीरो जीरो वन, ये भी हमने लिख लिया है, तो ये टर्म भी सॉल्व हो चुकी है। लास्ट टर्म है हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वन जीरो जीरो जीरो, तो वन जीरो 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 ये भी हमने लिख लिया। मीन्स टू सेड है हमने सारी टर्म्स को लिख लिया है, जितनी भी टर्म्स हमें फंक्शन में गिवन है, तो जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में थी वो तो हमने एज इट इज देख के लिख ली, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन के जरिए। नेक्स्ट है हमने ग्रुप बनाने में, तो हम ग्रुप बनाएंगे जी, देखिए हमारे पास ग्रुप बन रहा है फोर का बन रहा है, एक तो ये बन रहा है फोर का, तो एक ग्रुप तो आ जाएगा हमारे पास ये फोर का ग्रुप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर का ग्रुप बन रहा है, हमारे पास दो ग्रुप बन चुके हैं फोर फोर के। अब इनमें डब्ल्यू एक्स वाई जी को देख लेते हैं, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारी सिंपलीफाई फॉर्म होगी। यहाँ पे ए जीरो बी जीरो सी जीरो, यहाँ पे ए जीरो यहाँ पे ए वन, ये कैंसिल आउट हो गया, हम पहले इनको देख रहे हैं। नेक्स्ट बी जीरो यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सी जीरो सी जीरो सॉरी सी जीरो सी जीरो सी का कॉम्प्लीमेंट, डी जीरो डी वन डी नहीं आएगा प्लस। अब इस ग्रुप को देख लेते हैं, ए जीरो ए वन ए कैंसिल आउट हो गया, बी जीरो बी वन बी कैंसिल आउट हो गया, सी वन है इस सारे में, तो सी एज इट इज डी जीरो है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर इज अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन।
तो ये था हमारे पास फोर वेरिएबल के लिए के मैप। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी और अच्छी तरह से समझ आ गई हो। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आईटी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।